हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व बदलने की मांग अब तेज होती जा रही है। बीते दिनों भी हुड्डा समर्थक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है कांग्रेस में बिखराव है। हुड्डा साहब 18 तारीख को जो महापरिवर्तन रैली करने वाले हैं उसमें वो महापरिवर्तन ये करेंगे कि शायद अपनी पार्टी बना लें या फिर कांग्रेस से किनारा कर लें आप भी, क्योंकि यही माना जाता है कि हुड्डा धड़े की नेता हैं, ज़्यादातर उन्हीं के फैसलों में हामी बढ़ती नजर आती है। तो 18 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है जिसको लेकर सत्ता पक्ष जो है वो तंज कसता नजर आ? देखिए, सत्ता पक्ष का काम है तंज कसना, विपक्ष का काम है मजबूती से सत्ता पक्ष को घेरना, जो कि हमने हर फील्ड में करने का काम किया है, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो। हम लोगों ने अभी कार्यकर्ता सम्मेलन रोहतक में किया था, उसके बाद 18 तारीख को हम लोग रोहतक में ही महापरिवर्तन रैली करने जा रहे हैं। इसमें हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किन किन मुद्दों पर फेल रही है, क्या क्या मैनिफेस्टो में वायदे किए थे और उन वायदों के अलावा हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में यूनिवर्सिटी, स्कूल अपग्रेड, कॉलेज बनाएंगे, पीने के पानी की सुविधा देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया, एक भी बिजली का प्रोडक्शन यूनिट सरकार के दौरान जो है वो स्थापित नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हम सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम। क्या इस रैली का ये भी मकसद है कि पार्टी आलाकमान स्थिति स्पष्ट करे कि आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ना है? देखिए, पार्टी आलाकमान को हमने ऑलरेडी ये बात लिखकर दी हुई है कि क्योंकि इस समय चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और हम लोग सब लोग तैयारी में जुट गए हैं, हम उम्मीद करेंगे पार्टी आलाकमान, क्योंकि हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो फैसला होना बाकी है, अति शीघ्र उनका फैसला हो जाएगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि हरियाणा में भी जो बाकी और भी कमेटीज़ बननी है, चाहे मैनिफेस्टो की है, कैंपेन कमेटी है, जो भी फैसले होने हैं, पार्टी हमारा जो पार्टी हाईकमान है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो फिलहाल जो है वो चल तो रहे हैं, लेकिन पीसीसी डेलीगेट्स ने सभी ने लिख के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को ऑथराइज किया हुआ है, क्योंकि पीसीसी जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी पार्टी हाईकमान भी फैसला ले, और पार्टी हाईकमान जब फैसला लेगा ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सारे के सारे कांग्रेस के हम लोग साथ ही मिलकर एक बिगुल फूंक चुके हैं और आने वाले विधानसभा की तैयारी के लिए हम लोग जुट चुके हैं। सवाल क्या ये चाहते हैं कि ये चुनाव हुड्डा साहब के नेतृत्व में हो, ना कि अशोक तंवर के? देखिए, ऐसा है, जो पार्टी का फैसला होगा, हम लोग सब हुड्डा साहब के साथ हैं, हुड्डा साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, दो बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, दो बार के अध्यक्ष रहे हैं, चार बार के सांसद और चार बार के वो विधायक रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। तो जो लोकसभा के चुनाव में हुआ, कहीं ना कहीं हमारे पास संगठन की कमी रही, जिला प्रधान नहीं थे, ब्लॉक प्रधान नहीं थे, तो हम ये नहीं चाहते इस तरह की कोई भी गलती लोकसभा के चुनाव में जो हुई वो एक अजीब तरह के बिना मुद्दों का चुनाव हुआ, जिसमें 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती और कांग्रेस हारी, हमें इस बात का पछतावा है। तो इसलिए आने वाला विधानसभा का चुनाव मजबूती के साथ हम परिवर्तन चाहते हैं, यानी परिवर्तन चाहते। देखिए, परिवर्तन तो हम जरूर चाहते हैं, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरी तरह से बिगुल फूंक चुके हैं और हम लोग उनके साथ ही हैं। देखिए, ये थे गीता पुक्कल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के नतीजे लोकसभा के रहे वो नतीजे विधानसभा में नहीं होने चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को फैसला लेने की ज़रूरत है। पार्टी आलाकमान इन विधायकों की मांग पर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन राजेश के साथ विनीत कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। तो चलिए, हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, जिस तरह से आपने गीता बुक्कल से भी बातचीत की और अब हरियाणा में लड़ाई कांग्रेस बनाम किसी अन्य राजनीतिक दल नहीं, कांग्रेस बनाम कांग्रेस ही है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब गीता बुक्कल ने इस बात की पैरवी की हो कि अब संगठन में बदलाव किया जाए। इससे पहले भी कई नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व सौंपने की पैरवी कर चुके। जी विनीत,